आज आपको उपाय देकर जा रहा हूं। अगर आप क्रिश्चियन नहीं है, आप प्रभु को नहीं जानते, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपको उपाय दे रहा है। अगर आपके ऊपर कर्जा हो गया है, अगर आपके ऊपर, तो परमेश्वर कह रहा है कि ये कर्जे वाली जाति, ये बीमारी वाली जाति, ये दुष्ट आत्मा वाली जाति, कह रहा है ये मैं उन जातियों को बोल रहा हूं, कह रहा है जो बीमारी वाली जाति, कह रहा है इसको शैतान की जाति को बोला जाता है, कह रहा है जो कर्जे वाली जाति है, कह रहा है ये बीमारी वाली जाति है, कह रहा है कि ये जाति है, इसका मतलब ये जाति जाति है, लेकिन जाएगी कैसे, कह रहा है ये किक मारने से नहीं जाती है, कह रहा है ये उपवास और प्रार्थना करने से जाती है, कह रहा है उपाय दे रहा है, इसका मतलब सीक्रेट बता रहा है, कहता है उपाय है, अगर तुमने उपाय नहीं लिया, अरे जाकर पूछते रहते हैं, हाथ दिखाते रहते हैं, भाई साहब ताकि बंधवाते रहते हैं, बोलते हैं कह रहा जी लो जी पूछा दे दो भाई साहब उपाय बता दो जी, हां जी कितनी मच्छियों को आटा गिरना है, कितने गायों को रोटी खिलाना है, कितनों को क्या करना है, भाई साहब कुछ नहीं करना, आपको वो दान पुण्य तो करना ही करना है, लेकिन यहां पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये उपाय है, जब तू फास्टिंग प्रेयर में जाए तो खरे अपनी आत्मा को तैयार कर, प्रिपेयर कर, कहता है और विश्वास कर कि परमेश्वर तुझे देख रहा है, और अपने उपवास को तोड़ने मत दे, समझदार हो आप, कह रहा है जब आप बाहर रहोगे तो आपका उपवास टूटेगा, इसलिए आप एक कमरे में कोठड़ी में जा, यीशु मसीह बोलता है वो कोठड़ी में गया, और कह रहा है कि गुप्त कह में परमेश्वर तुझे देखता है, और गुप्त का तेरा प्रतिफल आज रात मिलने वाला है तुझे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप मुझे पाकिस्तान से, आसाम से, नेपाल से, पंजाब से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से, छत्तीसगढ़ कह रहा है कि उड़ीसा से, अगर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, यूरोप से, आप सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड से देख रहे हो, तो मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपका स्ट्रगल 7 दिन के अंदर खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, खत्म हो रहा है, ये मेरा आशीर्वाद है, 7 दिन के अंदर खत्म हो रहा है, जिन लोगों ने ये फैसला ले लिया है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर खत्म करता है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता, हम प्रेरितों के 12:5 पढ़ते, वहां पर क्या था, प्रेरितों के 12:5 में जब हम देखते हैं एक जगह पर, वहां पर बहुत सारे करे विश्वासी उपवास कर रहे थे, और उपवास करते करते वो क्या कर रहे थे, उपवास, पतरस जब जेल के अंदर था तो उसी समय उन्होंने, क्लिसिया ने लो लगाकर उपवास प्रार्थनाएं किया, और उसके 5 मिनट के बाद ही जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया, एक औरत आई और बोलती चलो चलो मेरे घर पे चलो, उसका नाम मरियम, और वो बोलती है चलो मेरे घर पे चलो, आज मेरे घर पे फास्टिंग प्रे करेंगे। आज विश्वासी लोग भी ऐसे ही करते हैं कि चलो चलो हम फास्टिंग प्रे करेंगे, और जब उन्होंने करे अपा इकट्ठे होके लो लागे प्रार्थना करांगे, फास्टिंग प्रे करांगे, पतरस जेल से छुड़ाया जाएगा, आजाद हो जाएगा, उन्होंने जब प्रार्थना किया तो जैसे ही उन्होंने फास्टिंग प्रेयर अभी शुरू ही किया था, और जैसे फास्टिंग प्रेयर उनका खत्म हुआ आखिरी में, और जैसे ही एंड हुआ, एक दिन का उनका फास्टिंग प्रेयर था, जैसे ही एंड हुआ तो उसके गेट पर पतरस ने जाके खटकाया, खटखट खटखट, और उसी समय औरतें डर गई, उसने देखा सुराख में से, अरे ये कौन आ गया पतरस, करे लेकिन जब पतरस को लेकर गए थे वो वहां से 200 किलोमीटर का फर्क था, लेकिन 200 किलोमीटर में उस समय गाड़ी तो थी नहीं, इतनी जल्दी कैसे आ गया, वो हैरान हो गई, और उसी समय चीख पड़ी, बोलती कह रही पतरस आ गया गेट पर, तो सब के सब पर क्या लिखा उसके 15 में, हाँ, पढ़े जरा क्या लिखा 15 में, उन्होंने उससे कहा हाँ तू पागल है, हाँ बस करे क्या लिखा कि कौन है ये विश्वासी उपवास कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, एक दूसरे को घूसे मार रहे हैं, बोलती तू पागल है, अरे विश्वास नहीं कर रही है, बोलती है उपवास तूने किया, प्रार्थना तूने की, रिजल्ट तेरी प्रार्थना का आया, लेकिन तू विश्वास नहीं कर रही, इसका मतलब आपको उपवास करने के बाद फेथ भी आपके अंदर परमेश्वर चेक करता है, आपके फेस का इंप्रेशन भी आप परमेश्वर आपका चेक करता है। यहां पर ये औरत ने जब उपवास किया और उसी समय जब इसका उपवास पूरा हुआ तो पतरस जेल से छूटकर आ गया और वो उड़कर आया, स्वर्गदूत उसको लेकर आए वहां पर उसी प्लेस पर, इसका मतलब 200 किलोमीटर का जो सफर था उसने सिर्फ करा के 5 घंटे में करा के 15 मिनट में पूरा कर दिया, और जब वो 15 मिनट में वो वहां पहुंच गया और गेट खटकाया तो यहां लेडीज मसीह लोग क्या बोल रहे हैं, बोलते तू पागल है, अरे कैसे पतरस इतनी जल्दी कैसे आ सकता है, अभी तो हमने प्रार्थना शुरू ही की है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों को, अगर आपका कह रहा बाल्टी पोजीशन अगर आपने सही ली है, आपका उपवास करने का तरीका सही है, तो मैं कह रहा हूं आप प्रार्थना उपवास शुरू ही करोगे, मैं कह रहा हूं चर्च आपका स्ट्रगल आज रात खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। सही ढंग से की हुई प्रार्थनाएं, सही ढंग से किया हुआ उपवास जल्दी स्वीकार होता है, ये परमेश्वर का प्लान है। कहता है कि आज तक आपकी प्रार्थना अगर किसी ने नहीं सुनी, आज रात मेरा परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, आज रात मेरा परमेश्वर आपके ऊपर मिराकल करने वाला और आपकी आशीषें खुलने वाली, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से मैं टाइम टेबल का पक्का हो जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। जैसे दानियल टाइम टेबल का पक्का था, जब हम इसको 9:22 में देखता हूं तो वहां पर क्लियर लिखा कह रहा है कि वो आज्ञा जब निकली
कह रहा है कि जब तू प्रार्थना कर रहा था, इसका मतलब कि वो टाइम टेबल देख रहा था परमेश्वर। एक जगह हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 10:30 देखते हैं और जल्दी से क्रुनियुस के बारे में देखते हैं कि वो परमेश्वर को नहीं जानता, वो इटालियन का सूबेदार है, लेकिन बाइबल बोलती है कि वो समय पर प्रार्थना उपवास करता था और परमेश्वर ने उसकी लाइफ में चमत्कार किया। हाँ हाँ पढ़े देखो। क्रुनियुस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पैर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने खड़ा हुआ और कहने लगा, हे क्रुनियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान। हालेलुया। यहां पर क्लियर लिखा, कह रहे कि क्रुनियुस के पास वहां पर लिखा इसी घड़ी, मतलब उसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए थे। इसका मतलब कि 3 दिन का जो उसका फास्टिंग था और जैसे ही वो पूरा हुआ 4th day कहते हैं कि स्वर्गदूत उसके गेट पर आकर खड़ा हो गया। आज आपका फैसला है, जब आप 3 दिन का फास्ट कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कि जैसे ही फास्ट आपका सही परमेश्वर ने देख लिया, 4th day एक स्वर्गदूत चमकीले कपड़ों में यीशु मसीह के रूप में आपके पास आकर खड़ा होने वाला, याद रखना यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि एक एंजल जिब्राइल आपके गेट पर आने वाला है, आपकी गवाहियां लेकर आने वाला है। आज आप जहां पैसा डाल रहे हैं, आज आपका पैसे का स्ट्रगल अगर आप बार बार कर रहे हैं डबल करने के लिए, मैं कह रहा हूं आज से 7 दिन के बाद आपको डबल नहीं करना पड़ेगा, आपको 100 परमेश्वर देने वाला है यीशु मसीह के नाम में, 100 गुना डबल करने वाला है। याद रखना कि वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, उपवास करने वालों का 100 गुना होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा है और आज आशीष देने वाला है। यहां क्रुनियुस को इस सीक्रेट का पता लग गया, कहता है उसका टाइम टेबल था, कहता है किस घड़ी, इसका मतलब आपने पोजीशन ली है लेकिन परमेश्वर को नहीं बताया कि मैं किस घड़ी जा रहा हूं। परमेश्वर को मालूम है लेकिन आपको शैतान को हराने के लिए बताना है कि परमेश्वर मेरी पोजीशन कहां है, मेरा प्लेस कहां है, मेरा कमरा ये, आज मैं इस कमरे में उपवास करूंगा और मैं इस टाइम से लेकर इस टाइम तक करूंगा। और यहां पर स्वर्गदूत कब आए, कह रहा है जब उसी घड़ी पूरे, कह रहा पूरे टाइम पर 4 दिन 4 दिन हुए, कह रहा है कि मैं अपने घर में तीसरे पहर कर रहा था। इसका मतलब तीसरा पहर शाम का पहर, के वो जब उपवास कर रहा था, जैसे ही शाम के समय उसने जो सुबह से लेकर अगर आप 6 बजे तक सूरज ढलने से पहले, कह रहा है कि आप जब सूरज ढलता है उपवास पूरा करते हो, उसी समय मैं कह रहा हूं एक एंजल आज रात आपके गेट पर आने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। और यहां पर आकर क्रुनियुस को कहा, कहता है कि तेरे घर का मैं उद्धार करूंगा, और कहता है कि क्यों, कहता है क्योंकि तूने उपवास को सही ढंग से किया है, और कह रहा है तू मेरा भय मानता है, कह रहा है तेरी प्रार्थनाएं तेरे उपवास परमेश्वर ने स्मरण कर लिए। इसका मतलब याद रखना कि जितनी भी आप फास्टिंग करते हो, कुछ लोग सोचते हैं जितनी फास्टिंग किया इतनी प्रेयर किया कोई फायदा नहीं, लेकिन नहीं भाई साहब, जब आप एक फास्टिंग कर रहे हो एक गुल्लक में एक सिक्का डाल रहे हो, आप एक सिक्का डाल रहे हो। एक मां अपनी बच्ची के लिए पहले से गुल्लक में पैसे इकट्ठे करती है और जब वो 18 साल की हो जाती है तो उसकी गुल्लक भर जाती है और फोड़नी पड़ती है। याद रखना आपका सही टाइम आने पर परमेश्वर आपके उपवासों का फल देने वाला है, आपकी प्रार्थनाओं का फल देने वाला है। अगर आप फास्टिंग प्रेयर के साथ आए हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करने वाला है। याद रखो अलीशा के लोग बोलते हैं, कहते हैं अलीशा ने जब उपवास किया, मैं बता रहा हूं कि अलीशा जब मर गया और उसके बाद जब वो कब्र पर लोग गए तो उसकी हड्डियों को छूने से भी चंगे हो गए, मांस से चंगे नहीं हुए, हड्डियों से। मैं कह रहा हूं कि आप जब रोटी नहीं खाते आपका मांस उतर जाता है, आप कमजोर हो जाते हो जब आप फास्टिंग करते हो। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद कि मेरा वजन घट जाएगा, मैं फास्टिंग हो जाएगा, कुछ लोग इसलिए रखते हैं, लेकिन बाइबल बोलती है आपके स्वास्थ्य के लिए भी फास्टिंग अच्छा है जब आप फास्टिंग करते हैं। अलीशा ने जब फास्टिंग किया तो परमेश्वर ने चमत्कार किया, मिराकल किया और उसके अंदर अनॉइंटिंग भरी रहती है। याद रखना फास्टिंग कोई जब रखते हैं आप तो अभिषेक ऊपर आता है, अभिषेक एक दिन के लिए नहीं रहता। अगर आप मर भी जाएंगे तो आपके जो मांस है और उसके अंदर जो हड्डियां हैं, कहता मांस उतर जाता है, मांस सूख जाता है लेकिन हड्डियां सूखती नहीं है, हड्डियों को तोड़ा और चूरा किया जाता है, लेकिन हड्डियां जो पड़ी रहती हैं, कह रहा उन हड्डियों के ऊपर अनॉइंटिंग चिपकी रहती है, चिपकी रहती है। आज अलीशा के ऊपर चिपकी हुई थी अनॉइंटिंग चिपकी हुई थी, इसलिए यीशु मसीह बोलता है, कह रहा कि एक व्यक्ति कह रहा कि भूखा रह सकता है, कह रहा है क्योंकि उसकी हड्डियों में अनॉइंटिंग है, आपके खून में अनॉइंटिंग है यीशु मसीह की। अगर आपके अंदर यीशु मसीह का खून है तो आज से आप लोग यीशु मसीह के खून बनके बोलोगे कि मैं आज से फास्टिंग किया करूंगा। मैं कह रहा आपकी हड्डियों में अनॉइंटिंग चिपक जाएगी, आज आपकी हड्डियों में, अलीशा की हड्डियों में अनॉइंटिंग चिपकी हुई थी। अरे वहां का ऐसा ना करना कि शमशान घाट पर जाके किसी पास्टर की हड्डियां लेके अपने सिर पर मार लेना, भाई साहब ये गलती ना करना। यहां तो उसकी उसकी सिर्फ वो एक ही ऐसा बंदा था, कहीं भाई साहब किसी
चीफ पास्टर की हड्डियां टाटा के अपने सिर में मारो, वो नहीं करना, कंगाल को नहीं उठा के ले आना। मैं कह रहा हूं कि वो हड्डियां, सिर्फ वो हड्डियां परमेश्वर देख रहा है जो फास्टिंग प्रेयर करती हैं, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। यीशु मसीह फास्टिंग प्रेयर करता था, इसलिए लिखा उसकी एक भी हड्डी टूटने ना पाई। मैं कह रहा हूं अगर आज आप परमेश्वर के सामने सही उपवास करते हैं, अगर आप परमेश्वर को कह रहे हैं परमेश्वर मैं उपवास करता हूं, तो बाइबल बोलती है तेरी एक भी हड्डी टूटने ना पाएगी, तेरे एक भी करप बिजनेस को कोई शैतान छूने ना पाएगा। करा अगर आप उपवास करते हैं, करा एक भी तेरा काम फ्लॉप होने ना पाएगा। करा जितना काम तू करेगा, जितनी मेहनत करेगा, करा आज से उतना ही करा के 100 गुना फल दिया करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी हड्डियों में बस जाए ये वचन जो आज प्रोफेट बजिंदर ने आपको सुनाया है, आपकी हड्डियों में चिपक जाए। मांस में ना चिपकाओ भाई साहब, मांस तो गल जाता है, सूख जाता है, नींबू पानी पीते हो आप पतले हो जाते हो, मांस खत्म हो जाता है, लेकिन मांस खत्म हो जाता है, हड्डियां खत्म नहीं होती, हड्डियों में चिपका रहता है। इसलिए कब्र में आपकी हड्डियां जाने वाली है, याद रखना। कह रहा कि आपका जो कंकाल है वही कह रहा कंकाल मरने के बाद नरक में या स्वर्ग में जाने वाला, याद रखो। उसके बाद जो स्वर्ग में रहेंगे उनके शरीर पर मांस लगा दिया जाएगा, लेकिन जो कह रहा है कि नहीं विश्वास में रहेंगे यीशु मसीह के साथ, उनका हड्डियां ही जाने वाली हैं, याद रखो। इसलिए बाइबल कह रही है, कह रहा तुम्हारी हड्डियों में अगर मैंने अनॉइंटिंग देख लिया, अगर तुम्हारी हड्डियों में उपवास का मन देख लिया मैंने, कहता है तो कह रहा है कि वो हड्डियां कह रहा नरक में नहीं जाएंगी, याद रखना। ये यीशु मसीह का सीक्रेट है, इसलिए फास्टिंग बहुत जरूरी है। कहता है अगर आप फास्टिंग करते हो आपकी हड्डियां नरक में नहीं जाने वाली, क्योंकि आपने फास्टिंग के अंदर पश्चाताप किया है, अपनी आत्मा को तैयार किया है, आपकी हड्डियों में कह रहा अनॉइंटिंग है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह मरने के बाद, लोग पूछते हैं मरने के बाद कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा, भाई साहब अगर फास्टिंग करते हो, फास्टिंग करने वाला बंदा इस ढंग से अगर फास्टिंग करता है उसकी हड्डियों पे अनॉइंटिंग देख लेगा यीशु मसीह, और उसकी हड्डियां नरक में नहीं जाने वाली, उस ऊपर जाने वाली, और उस पर मांस लगने वाला, और वो स्वर्ग में जाने वाला है, आपको फिर से एक जीवन मिलने वाला है। इसलिए यीशु मसीह की वो एक भी हड्डी ना तोड़ पाए, क्रूस पर कितना मारा, मांस खत्म किया उन्होंने, देखो मांस खत्म किया, खून निकाला, सब कुछ किया उन्होंने, पानी किया, सब कुछ किया, लेकिन एक भी हड्डी नहीं तोड़ पाए। क्यों? क्योंकि हड्डियों में उसकी 40 दिन की अनॉइंटिंग थी। अगर आपको बता रहा हूं कि मूसा 40 दिन का उपवास करके आया ऊपर, लेकिन परमेश्वर को पसंद नहीं आया, परमेश्वर ने कहा मूसा फिर ऊपर वापिस आ, और दोबारा 40 दिन का उपवास करने के लिए गया। अरे भाई साहब बेहोश हो जाता, 80 उपवास कौन रख लेगा, अरे दोबारा फिर ऊपर बुला लिया परमेश्वर ने उसको। हो सकता है कि परमेश्वर आपको बुला रहा हो और कह रहा हो कि परमेश्वर कह रहा है आज तक 15 साल में तूने जो उपवास किए खत्म कर, उनको मुझे पसंद नहीं आए, लेकिन अगर आज तू ये उपवास एक दिन का भी रख लेगा, पवित्र आत्मा कह रहा है 40 दिन का उपवास अगर नहीं रखा जा रहा, लेकिन एक दिन ऐसा 40 दिन की तरह उपवास रख लो कि एक रोजा ऐसा रख लो कि जो परमेश्वर को पसंद हो। अगर आज आपने अपनी आत्मा को तैयार कर लिया इस वचन के बाद, पवित्र आत्मा कह रहा है आज बंधन तोड़ कर जाऊंगा मैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपकी हड्डियों में भी कह रहा आज जान आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आपकी प्रोग्रेस होने वाली है। आज से कोई पिता नहीं चाहता कि उसके बच्चे संघर्ष करें, मेरा बाप भी नहीं चाहता, मेरा यीशु मसीह नहीं चाहता कि आप स्ट्रगल करें अपनी लाइफ के अंदर। पवित्र आत्मा आपको दुखी देखना नहीं चाहता, वो आपको कर्जे में देखना चाहता, वो आपको बीमारियों में नहीं देखना चाहता, लेकिन शैतान आपको देखना चाहता है, इसलिए वो आपके उपवास को तोड़वाना चाहता है। उसको पता है कह रहा जो लोग यीशु मसीह के नाम से उपवास करते हैं, कह रहा उनसे कह रहा कि वो पावरफुल हो जाते हैं, इसलिए वो उनसे डरता है, इसलिए वो हमेशा आपको उपवास में गुस्सा दिलाएगा, उपवास को तोड़ने की कोशिश करेगा, उस दिन आपको ज्यादा भूख लगाएगा, उपवास के अंदर ही आपके साथ बड़ी परिस्थितियां आएंगी, लेकिन आपको परमेश्वर को बताना है, परमेश्वर मैं कल उपवास रखने वाला हूं, प्लीज मेरी हेल्प कर, और परमेश्वर इसी समय उस उपवास को गुप्त में देखने वाला है। और आपने अगर एंड तक उपवास पूरा सही कर दिया, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह का जब पूरा हुआ तो स्वर्गदूत उसकी सेवा के लिए आए, और आज मैं भविष्यवाणी करता हूं जो लोग सही तरीके से उपवास पूरा करेंगे उनके घर में आज स्वर्गदूत उनकी सेवा करने के लिए आएंगे यीशु मसीह के नाम में। अरे आप क्या सोचते हो, आपने सेवा किया, परमेश्वर जानता है। मैं देखता हूं ऐसे लोगों को जो पादरियों की सेवा करते हैं, पैर छूते हैं बेचारे, पैर धोते हैं और उनसे प्यार करते हैं पादरियों से, और उनके पैर छूते हैं, उनके उनकी मालिश करते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनकी रोटियों का खर्चा उठाते हैं, उनके मिनिस्ट्री में हेल्प करते हैं, अपने अपना गला काट कर वो मिनिस्ट्रियों में हेल्प करते हैं। मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूं, मेरा प्रभु पसंद करता है, मेरा परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों के लिए, कह रहा है कि अगर वो लोग उपवास करे, कह रहा है परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि आज याद रखना, कहता है मैं उनके बच्चों का स्ट्रगल खत्म करने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। उन लोगों के लिए कह रहा है जो आप दिन रात ऑनलाइन चर्च, मुझे लाखों लोग जो इस समय देख रहे हैं, जो आज आप डरे हुए हैं कोरोना वायरस से, जो आप डरे हुए हैं किसी कैंसर शुगर से, थायराइड से, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं बीमारी को कहता नहीं देखता, मैं मनुष्य को देखता हूं।